राधे राधे दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि अभी जो चल रहा है जगन्नाथ देव का जो रथ यात्रा हुआ था 28 तारीख तक आसनसोल बोझा मैदान में प्रोग्राम चल रहा है, श्री कृष्ण नाम कीर्तन चल रहा है, सभी विधायक बहुत बड़े जोर शोर से हो रहा है, इस बार बहुत बड़ा हो रहा है। तो यही एक चीज बोलेंगे, आप लोग जरूर आइए यहाँ पे, आप लोग का लोकेशन नहीं पता है तो आपको लोकेशन शेयर कर दूंगा, जरूर है, बहुत अच्छा लगेगा। जगन्नाथ देव को बोझा मैदान में रखा गया क्योंकि यही उनका मौसी घर है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा मेला, बहुत बड़ा मेला बैठा हुआ। वहीं आप देख सकते हैं भगवान जी का बहुत तरह का किताबें और अगरबत्ती, धूप, हर चीज आपको मिलेगा, पूजा के हर तरह का सामग्री, बहुत ही सुंदर सुंदर भगवान जी का फोटो, राधा कृष्ण जी का। और यहाँ पे बुक स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पे हर तरह का किताबें, इस्कॉन टेम्पल का हर तरह का किताबें, श्रीमद् भगवद गीता का, और यहाँ देखिए श्री कृष्ण के जो वस्त्र हैं, बहुत तरह के वस्त्र आपको देखने मिलेंगे। और कुछ भी अगर आपको क्वेरीज है, कुछ भी अगर चाहिए तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं, हर तरह का सामग्री आपको पूजा का मिल जाएगा, आके आप देख सकते हैं। इसी रथ पे बैठ के श्री जगन्नाथ देव अपने मौसी के घर आए थे, पूरे आसनसोल यही रथ पे घुमाया गया था। कितना सुंदर रथ बनाया गया, देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर है। इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप YouTube में देख सकते हैं। साथ ही आपको देखने मिलेंगे जोगाई और मादाई, कितना सुंदर प्रतिमा। जय श्री कृष्ण। आप सभी को दर्शन हो जगन्नाथ देव का, तो तैयार रहिए, अभी पर्दा खुलने वाला है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सब दर्शन कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। देखिए यहाँ पे विशाल व्यवस्था किया गया है यहाँ पे रहने के लिए। यहाँ महाराज जी बाहर से आ रहे हैं और उनका प्रवचन सुना रहे हैं, और देखिए कितना भीड़, अभी से 20 तारीख से शुरू हुआ है, अभी कंटिन्यू चलेगा 28 तारीख तक। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल।
यहाँ पे भोग प्रसाद का भी व्यवस्था किया गया है, जो कि आप यहाँ पे बैठ के भी खा सकते हैं। यहाँ टोकन आपको काटना पड़ेगा। और यहाँ देखिए बहुत सारे भक्त बाहर बाहर से आके यहाँ पे भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आप चाहे तो बाहर में भी लगा हुआ प्रसादी, आप यहाँ से भी प्रसाद ले के घर जा सकते हैं। 28 जून तक चलेगा यह प्रोग्राम यहाँ पे, तो आप लोग जरूर रहिए और जगन्नाथ देव को दर्शन कीजिए। राधे राधे।